फूडी बाबा खाना आ गया, फूडी बाबा खाना आ गया है, आज रिव्यू नहीं करना क्या? अरे फूडी बाबा तो आज आया ही नहीं है। तो ये नए फूडी बाबा है यार, आज फूडी बाबा आए नहीं है, तो आज हम दो अहमद और मैं फूडी बीबीज हैं, तो आज हम खाना खाएंगे और आज हम रिव्यू करेंगे। वैसे हम इस काबिल हैं यार, कोशिश कर लेते हैं। वैसे आया कहाँ से खाना यार, इस पे तो अजीब फूड लिखा है। अच्छा चलो फिर ट्राई बिरयानी से ही शुरू करते हैं। कौन सी बिरयानी है यार? ये चिकन लग रही है, खोल के देखो। आलू फिर चेक करता है। अच्छा ये बिरयानी है, और बिरयानी के साथ रोटी, रोटी के साथ चावल है उबले हुए, और एक तो इसमें से दाल है जो मुझे नजर आ रही है नीचे वाली, दूसरा ऊपर वाला। नवीद क्या लग रहा था यार? ये सालन लग रहा है, खा पी देखेंगे तो पता चलेगा। रहमान रहीम, तो आज हमारा इम्तिहान है, आज हमारा इम्तिहान है, तो क्या सीखा है इतने दिनों में? हाँ चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले बिरयानी से, सबसे पहले बिरयानी डालो, उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं। बिरयानी का कलर तो अच्छा है यार, ये चिकन है, चिकन तो थी नहीं, शादी मिल गया चालू वाली। ये फूडी बाबा ने सिखाया कि इसको ऐसा करना है, आलू को तोड़ना है, और फिर मेरे पास तो आलू छोटा आया था। गुड यार, मेरे नज़दीक तो बिरयानी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमेशा फूडी बाबा ने कहा है कि सबसे पहले चावल को देखना चाहिए, तो चावल तो अच्छे हैं। चावल में फूडी बाबा हमेशा कहते हैं देखो ये देखो ग्लेज नज़र आ रहा है, ग्लेज आ रहा है। मेरे नज़दीक तो पास है, नवीद ने भी एक बाइट लिए, नवीद दूसरी बाइट लेगा तो फिर आपको बताएगा कि क्या। मसाला थोड़ा कम है, बाइक अच्छा है। हमने बिरयानी खा ली, अभी हम सेकंड आइटम चेक करने वाले हैं, उबले हुए चावल हैं और इसके साथ ये आई थिंक मूंग की दाल है ना? हाँ मूंग की दाल है। तो चावल डालो, मैं जब तक इसको खोलता हूँ। यार ये दाल नहीं है, ये वो कुछ और है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ शलजम टाइप चीज़ आई है ऊपर। पहले मैं इसको चेक कर लूँ कि ये क्या है। हाँ दाल ये, वो ये पानी वाली दाल है, चेक करता हूँ। लौकी है, दाल दाल के साथ लौकी है, ये दाल लौकी है, दाल लौकी है, दाल लौकी है, और इसके साथ ये लौकी सीजन देखा तो लौकी सीजन देखी। अहमद ये बता सकते हैं कि आप ये फ्राइड है या फिर उबले हुए हैं? यार ये बॉइल्ड है। ये बॉइल्ड है। अच्छा दाल का फीडबैक ये है कि ये दाल जो है ना ये पतली बहुत है, ये देखें। एक तो ये है कि ये पतली बहुत है, दूसरा ये है कि इसमें मसाला मुझे समझ नहीं आ रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल चावल को खा के मेरा यही फीडबैक है कि ये मुझे तो समझ में नहीं आया, क्योंकि दाल इतनी पतली है और ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे टेस्टलेस है, ना मसाले मुझे समझ में आ रहे हैं और ना वैसा टेस्ट है। तो अभी तक इन दोनों आइटम में से मेरे नज़दीक बिरयानी ज़्यादा अच्छी थी आलू वाली। बाकी नवीद ये खा रहे हैं और नवीद आपको फीडबैक देगा, उसके बाद हम लोग अपनी तीसरी चीज़ ट्राई करेंगे जो कि आलू गोश्त है और उसके साथ ये रोटी है। जैसे कि अहमद ने कहा कि दाल बहुत पतली है, चावल अच्छे हैं थोड़े से, हाँ क्योंकि चावल का ये दाना देख सकते हैं आप बहुत बड़ा है। अचार है, आप अचार ट्राई करें। अचार देख लो, बट अचार वैसे खाना नहीं चाहिए लड़कों को, बट चले इतने क्या होता है, अचार भी ठीक है रोटियां भी दी है। तो पहले नवीद डाल ले सालन, ये घर पे बनी हुई रोटियां, तो वैसे ही घर पे जो बनी हुई रोटी होती है उनका टेस्ट अच्छा होगा। तो ये लो नवीद, पहले तुम ट्राई करो। पूरी बाबा कहते हैं घर पे बना कर अगर कोई होम शेफ भेज रहा है तो वो अपनी मोहब्बत से बनाते हैं, ऐसे बना तो रोटी तो ओपी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है, आलू गोश्त भी अच्छा है, मतलब फील आ रही है आपको, घर जैसा टेस्ट आ रहा है, आलू प्रॉपर गला हुआ है। अब इसके बाद हम जो दूसरा बाइट है उसमें हम लोग बोटी ट्राई करेंगे और फिर देखते हैं कि बोटी भी वैसी ही है जैसा आलू है या बोटी का कच्ची है। ओ यार सच में अच्छा है, तो हाँ बोटी भी बिल्कुल परफेक्ट है, आलू गोश्त पास और आलू वाले चावल पास, बस थोड़ा सा दाल में मुझे ऐसा फर्क लगा, क्योंकि मैं ऐसी दाल खाता नहीं हूँ तो मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, बट हो सकता है कि ऐसी ही दाल बनती हो लौकी वाली,
लेकिन मेरे नजदीक आलू वाली बिरयानी और आलू गोश्त परफेक्ट था। नवीद खाएगा और फिर नवीद बताएगा, मेरा रिव्यू तो एंड हो गया। जबरदस्त ही, मुझे भी अच्छा लगा और मैं कॉपी करना चाहूंगा इनको। तो अगर आपने ऐसी ही वीडियोस देखनी है तो आप फूडी बाबा के चैनल को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि अगर हमारा रिव्यू अच्छा लगे तो हम रोज रिव्यू करेंगे हर हफ्ते। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि फूडी बाबा को छुट्टी करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।